तो यूक्रेन के युद्ध के बीच में फंसे छात्रों के साथ संकट के बीच सरकार हर एक भारतीय विद्यार्थी के साथ खड़ी हुई नजर आई है और इसी क्रम में बुधवार को अध्यक्ष राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण सुरेंद्र सिंह झाझवत, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, सभापति संदीप शर्मा, यूक्रेन से अध्ययनरत छात्र देवल योगी के 37 स्थित निवास पर पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने छात्र के परिजनों से विस्तार पूर्वक बात की, सहायता का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर और झाझवत ने छात्र देवल योगी के वीडियो कॉल पर बात करके वहां के हालातों की जानकारी भी ली और छात्र ने बताया कि वे बॉर्डर पार कर स्लोवाकिया पहुंच चुका है, ऐसे में जल्द ही उसके सुकुशल घर लौटने की उम्मीद भी है। एक बार फिर से बता दें, ये जो छात्र है इसके साथ वीडियो कॉल पर बात की गई तो उसने बताया कि बॉर्डर तक वो पहुंच चुका है, बॉर्डर पार कर चुका है, स्लोवाकिया पहुंच चुका है, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही सुकुशल वापसी होगी। दीपक का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी? जी, मेरे ख्याल में आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल कि चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल में यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए उनके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और कहीं न कहीं जिला कलेक्टर भी सजग है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के सेती उपसत्र में रहने वाला देवल योगी जो यूक्रेन में फंसा हुआ था वो कल चित्तौड़गढ़ सकुशल पहुंच गया है और एक पूर्व में भी एक छात्र चित्तौड़गढ़ पहुंच चुका है। जी जी जी, ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।